इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का मॉडल सेट 5वां आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। प्रश्न नंबर 27 के पहले का मॉडल सेट चौथे मॉडल सेट के रूप में हो चुका है। अब आइए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इस मॉडल सेट में कुल 25 प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न अर्थात 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? विकल्प ए है जनता दल यू, विकल्प बी है डीएमके, विकल्प सी है लोक जनशक्ति पार्टी, विकल्प डी है भारतीय जनता पार्टी। तो 27 का सही उत्तर होगा डी, भारतीय जनता पार्टी। 28 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? विकल्प ए है राजनीतिक दल, विकल्प बी है सामाजिक दल, विकल्प सी है मानवीय दल, विकल्प डी है नागरिक दल। तो चारों विकल्प में से आपको चुनना है। तो 28 का सही उत्तर होगा ए, राजनीतिक दल। 29 नंबर प्रश्न, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? विकल्प ए है 3, बी विकल्प है 2, तीसरा नंबर विकल्प 1 और चौथा नंबर विकल्प 4। तो 29 का सही उत्तर होगा ए, 3। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? विकल्प ए मार्टिन लूथर किंग, विकल्प बी महात्मा गांधी, विकल्प सी ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जान कोलेंस, विकल्प डी जेड गुडी। तो 30 का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जेड गुडी। 31 नंबर प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था? विकल्प ए अर्थात कब हुआ था ये बतलाना है। तो विकल्प ए मध्य युग में, विकल्प बी प्राचीन युग में, विकल्प सी वर्तमान युग में, विकल्प डी आधुनिक युग में। तो 31 का सही विकल्प होगा ए, मध्य युग में। 32 नंबर प्रश्न, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? विकल्प ए पटना, विकल्प बी मुंगेर, विकल्प सी जमशेदपुर, विकल्प डी गया। तो 32 का सही विकल्प होगा सी, जमशेदपुर। 33 नंबर प्रश्न, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? नाम बताना है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, ए जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, बी पटना हवाई अड्डा, सी राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी बिहार हवाई अड्डा। तो 33 का विकल्प होगा ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। 34 नंबर प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? विकल्प ए बिहार शरीफ, विकल्प बी राजगीर, विकल्प सी गया, विकल्प डी बांका। तो 34 का सही विकल्प होगा बी, राजगीर। राजगीर में रज्जू मार्ग है। 35 नंबर प्रश्न, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? विकल्प ए है हिमालय क्षेत्र में, विकल्प बी है उत्तर बिहार मैदान में, विकल्प सी है दक्षिण बिहार मैदान में, विकल्प डी है दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो 35 का सही उत्तर होगा ए, हिमालय क्षेत्र में। 36 नंबर प्रश्न, कंवर झील स्थित है अर्थात कहाँ पर है? तो विकल्प ए है दरभंगा जिला में, विकल्प बी है भागलपुर जिला में, विकल्प सी है बेगूसराय जिला में, विकल्प डी है मुजफ्फरपुर जिला में। तो 36 का सही विकल्प होगा सी, बेगूसराय जिला में। 37 नंबर प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए राजगीर में, बी बोधगया में, सी बिहार शरीफ में, डी पटना में। तो 37 का सही विकल्प होगा डी, पटना में। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? विकल्प ए पूर्व पश्चिम गलियारा, विकल्प बी एक्सप्रेसवे, विकल्प सी स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, विकल्प डी सीमांत सड़कें। तो 38 का होगा ए, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये सड़कों का वर्ग नहीं है।
39 नंबर प्रश्न, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ए अविकसित देश, बी विकसित देश, सी अर्ध विकसित देश, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का होगा विकल्प नंबर बी सही, विकसित देश। 40 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है पंजाब, विकल्प सी है हरियाणा, विकल्प डी है गोवा। तो 40 का सही उत्तर होगा डी गोवा, क्योंकि गोवा जो है यह समृद्ध राज्य के रूप में आता है। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ए विनिमय का माध्यम, बी मूल्य का मापक, सी मूल्य संचय, डी उत्पादन। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन, क्योंकि ये तीनों विकल्प मुद्रा को इंगित करते हैं। 42 नंबर प्रश्न, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो 42 का सही उत्तर होगा ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 43 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प ए है कोयला, विकल्प बी है पेट्रोलियम, विकल्प सी है विद्युत, विकल्प डी है इनमें सभी। तो यहाँ 43 का विकल्प हो जाएगा सही डी, क्योंकि कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। 44 नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है ये बतलाना है। तो ए परिणात्मक परिवर्तन से, बी गुणात्मक परिवर्तन से, सी दोनों ए और बी अर्थात परिणात्मक और गुणात्मक दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? ए फसल को, बी पशुओं को, सी भवनों को, डी उपरोक्त सभी को। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों को। 46 नंबर प्रश्न, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, कौन सा कारण है? ये चार दिया हुआ है। ए केबल का टूट जाना, बी संचार टावरों की दूरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही उत्तर होगा ए केबल का टूट जाना। 47 नंबर प्रश्न, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ए ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, सी अस्पताल पहुंचाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही उत्तर हो जाए 48 नंबर प्रश्न, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी अनुकेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 का उत्तर होगा बी अधिकेंद्र कहा जाता है। 49 नंबर प्रश्न, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प चार दिया हुआ है, ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। तो 49 का सही विकल्प होगा बी 1 मई। 50वां नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए इंग्लैंड वासी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो 50 का सही उत्तर होगा सी पुर्तगाली। 51 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? विकल्प ए है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, बी चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, डी सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। तो 51 का सही उत्तर होगा सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में।
52 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? विकल्प ए 1923 ईस्वी में गुरु गोलवरकरन ने, बी 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने, सी 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, डी 1923 ईस्वी में लालचंद ने। तो 52 का सही उत्तर होगा बी 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने। तो इस तरह से इस वीडियो में यही 25-26 प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ से आगे अगले मॉडल सेट में मिलेंगे। धन्यवाद।